अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? सबके सब ठीक ठाक? सब गेमर आई होप सो ब्लैक फ्राइडे एंजॉय कर रहे होंगे। ब्लैक फ्राइडे पे बड़ी फिट किस्म की डील्स आई हैं, सोनी ने भी दी हैं, स्टीम, खैर हर जगह पे सेल्स आई हुई हैं। और खैर ये वीडियो स्टीम्स या ब्लैक फ्राइडे की सेल्स के बारे में नहीं, ये वीडियो है एज आई प्रॉमिस डैड कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा प्ले स्टेशन प्रो के बारे में और इसका क्या डिफरेंस है दी ओरिजिनल PS4 से। तो यार इट्स गुड, इट्स गुड बट नॉट द बेस्ट। मेरा जो अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है, मैं हमेशा से सोनी का फैन रहा हूँ। फॉर द गेमिंग नॉटी डॉग द बेस्ट डेवलपर, अनचार्टेड, लास्ट ऑफ अस और इवन के काफ़ी इंप्रेसिव गेम जो हैं लाइक बियॉन्ड टू सोल, तो एक्सक्लूसिव बहुत ज़बरदस्त हैं सोनी के। लेकिन जहाँ पे आई है अभी कंसोल 4K गेमिंग की बात, तो 4K कंसोल दैट साउंड्स नॉट बेस्ट। कि यार इस काइंड ऑफ चीटिंग मुझे लगता है कि भाई एक अगर आपके पास 4K TV है तो उसको ये अप स्केल करके दिखाएगा, इट्स नॉट द रियल 4K। तो मेरे ख्याल में अगर आपके पास ऑलरेडी PS4 है तो इतना ग्राफिक का फ़र्क नहीं है कि आप यार उसको सेल करके और ये ले लो। हाँ अगर आपने शुरू में लिया था, 3 साल हो गए आपको लिए हुए और आप देख रहे हो कि यार मैं अब इसको अपडेट कर लूँ या नया कर लूँ, 3 साल हो गए मैं चलाते हुए, तो उसको बेच के अगर आप PS4 ले लें, प्रो ले लें, तो इट्स गुड डील, आप ले सकते हैं, बेहतर है। मैं अभी इस पर रिसेंटली Battlefield 1 और इनफेमस खेल रहा हूँ, तो ग्राफिक इम्प्रूवमेंट्स हैं, फ्रेम रेट्स भी स्टेबल हैं, लाइक 15 से 20 फ्रेम का फ़र्क होगा। और अकॉर्डिंग टू डिजिटल फाउंड्री एक यूट्यूब चैनल है और उन्होंने भी इसके बारे में बताया कि जो प्ले स्टेशन ओरिजिनल है वो प्रो से ज़्यादा बेटर जो है वो परफॉर्म कर रहा है। तो मेरे ख्याल में अगर आप न्यू बायर हैं, आपके लिए फ़ायदा है कि यार ठीक है, मतलब आप डायरेक्ट PS4 प्रो ले लो, इट्स गुड डील। बट अगर आपने अभी रिसेंटली लिया, साल हुआ, 1.5 साल हुआ, तो मेरे ख्याल में इट्स नॉट दैट वर्थ कि आप उसको सेल करके इसको अपडेट कर लें। इतना ग्राफिक का फ़र्क नहीं है, उसमें 1.8 टेराफ्लॉप GPU है ओरिजिनल वाले में, इसमें 4.2 है आई थिंक। और लेकिन फिर भी ये डिपेंड करता है डेवलपर्स पे कि जो नेक्स्ट गेम आएंगे वो कितने अच्छे इसकी पावर को यूज़ करके तो कितना अच्छा गेम बनाते हैं। लाइक 1.8 टेराफ्लॉप पे भी नॉटी डॉग ने बड़ा फिट किस्म का Uncharted 4 बनाया, तो वो देखने के काबिल है। और देखते हैं कि जी नेक्स्ट जो गेम आएंगे वो 4.2 पे किस किस्म के गेम आते हैं। लाइक अभी कुछ पैचेस आएंगे और उसके बारे में भी इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताऊंगा। जैसे ही पैचेस रिलीज़ होंगे, जब नए पैचेस आएंगे, तब देखते हैं इनकी परफॉर्मेंस में कितना फ़र्क पड़ता है। फॉर मी, फॉर नाउ, इट्स नॉट दैट वर्थ कि आप अपना पुराना कंसोल बेच के और ये नया वाला ले लो। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम सोनी सोनी बिग फैन और मेरे ख्याल में आपको, मेरा काम है आपको सही बात देना। ये नहीं कि भाई अगर मैं सोनी का फ़ैन हूँ या मैं कंसोल गेमर तो मैं आपसे झूठ बोलूँ कि नहीं यार बहुत अच्छा है ले लो, नहीं। एक्चुअली मैं आई एम क्वाइट ठीक है यार, हैप्पी, आई एम हैप्पी बट नॉट दैट एक्साइटेड कि जब मैंने फर्स्ट टाइम PS4 लिया था तो एक एक्साइटमेंट होती है ना, वो एक्साइटमेंट नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास PS4 भी है तो आप उसको रखो, इट्स ओके। सो मेरे ख्याल में इसमें जो, अब आपको मैं सिंपल सिंपल इसकी इन्हेंसमेंट बताऊँ, तो इसमें इन्होंने एक तो GPU अपडेट की है 4.2, लेकिन एंड आप इसको भी नोट करें कि जो PC पे यूज़ हो रहा है अभी, जो GTX की नई सीरीज आई है 1070, वो ऑलरेडी 6.4 टेराफ्लॉप यूज़ कर रहे हैं। तो इट्स मीन कि सोनी वाले ये कह रहे हैं कि भाई हम 4.2 पे 4K गेमिंग करेंगे, इट्स नॉट दैट रियल। सो एक और चीज़ डिस्कस करता चलूँ VR के बारे में, कि जो VR जैसा परफॉर्म ओरिजिनल PS4 पे करेगी वैसा ही परफॉर्म PS4 प्रो पे करेगी, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, ना ही कोई टाइटल्स का डिफरेंट है, मतलब सेम टाइटल्स होंगे, कोई इनके एक्सक्लूसिव नहीं होंगे PS4 के। तो अगर आपके पास 4K TV नहीं है, ठीक है, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है इसको अपडेट करने का। अगर आपके पास 4K TV है तो देन इट्स गुड, ठीक है, मतलब फिट किस्म का है। और एक इन्होंने इसमें अभी इसमें दी है आपको ऑप्शन के भी आप 1080p पे HD जो है वो गेम कैप्चर कर सकते हैं PS4 प्रो पे, और इसका जो कंट्रोलर है आप किसी भी PS4 पे यूज़ कर सकते हैं, लाइक स्टैंडर्ड वाले पे, स्लिम जो अभी इन्होंने निकाला है उस पे, या PS4 प्रो पे, मतलब एक ही कंट्रोलर सब पे चल सकता है। तो इट्स नॉट के भाई आपको अलग अलग कंसोलर बाय करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं जी कि क्या PS4 प्रो बीट कर पाएगा माइक्रोसॉफ्ट का जो है स्कॉर्पियो, प्रोजेक्ट स्कॉर्पियो। हाँ जानते हैं हम सब के आ रहा है अभी नेक्स्ट ईयर में 2017 में, तो मेरे ख्याल में नहीं, बिकॉज़ अभी माइक्रोसॉफ्ट के बाद बड़ा फिट किस्म का चांस है कि वो सोनी को बीट करे, जैसे सोनी ने Xbox 1 के लॉन्च पे माइक्रोसॉफ्ट को बीट किया था। ये बड़ा ज़बरदस्त चांस होगा माइक्रोसॉफ्ट के पास।
सो बिकॉज उनके जो हार्डवेयर जो मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं उनके हार्डवेयर के बारे में, तो दे आर यूजिंग 6.4 आई थिंक सो टेराफ्लॉप एनवीडिया आर्किटेक्चर का जो है वो पास्कल बेस्ड यूज़ कर रहे हैं जीपीयू, तो दैट वुड बी पावरफुल, मोर 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 पावरफुल देन सोनीज. सो आई होप सो के सोनी के जो अपडेट्स आएंगे या जो नेक्स्ट गेम आएंगे एक्सक्लूसिव, वो इसकी फुल पावर यूज़ करें PS4 प्रो की. और जो जिन जिन बंदों ने अभी रिसेंटली PS4 लिया है उन्हें डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, बिकॉज PS4 इज़न्ट दैट गुड. ठीक है, आप अगर आपके पास PS4 प्रो है यू आर गुड. सो लेट मी नो इन द कमेंट्स. ये ही था मेरे ख्याल में, मुझे ऑनेस्टली जो कहना चाहिए था मैंने कह दिया है. अब नेक्स्ट गेम्स के जब आएंगे पैचेस तो इंशाल्लाह मैं फिर गेम प्ले डालूंगा, साथ में उनका आपको कंपैरिजन भी दिखाऊंगा. तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स में आप क्या सोचते हैं, क्या सोनी को इतनी जल्दी करनी चाहिए थी कि भाई इतना मतलब इतना अच्छा कंसोल नहीं बनाया जो कि इनको बनाना चाहिए था, तो इतनी जल्दी में इन्होंने कंसोल क्यों निकाला, आई डोंट नो. बट खैर, अपनी राय का से ज़रूर मुझे आगाह कीजिएगा, लेट मी नो इन द कमेंट्स. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, और अगर वीडियो नहीं पसंद आई तो उसके साथ ही डिसलाइक का बटन है, आप वो भी कर सकते हैं. तो इंशाल्लाह आपको मैं नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ. अल्लाह हाफिज़.